हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज से हम लोग अपने भीम बैच के अंतर्गत प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और न्यू पैटर्न पर अकॉर्डिंग टू एनएमसी नई वाली एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर जो दिया है फोटोसिंथेसिस। तो आज से बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। लेक्चर नंबर 1 अभी से स्टार्ट होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर में फुली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी लर्निंग चैप्टर नहीं है। जिस बच्चे को नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा, और जिसे आता है तो पूरा आएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा अगर आप ध्यान से सारी क्लासें लेते हो जो आपको समझना है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले आज हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस क्या है। देखिए, फोटोसिंथेसिस अगर टर्म की बात करें हम लोग हिंदी में, इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलकर के बना है। पहला टर्म यहां पर है फोटो, जिसका मतलब है यहां पर बेटा लाइट, या इसका मतलब है यहां पर प्रकाश, इसका मतलब यहां पर है प्रकाश। और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी किसी भी पौधे में पाई जाने वाली ये वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किसके द्वारा बदलते हैं? हरे पौधों के द्वारा बदलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि जैसा कि मैंने क्या कहा आपसे, पहले एक इक्वेशन के द्वारा इसको देखो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को बनाता है तथा ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। दोबारा से हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक कह सकते हो या पर्ण हरिण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के बाद ग्लूकोज, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तथा पूरे प्रोसेस के अंतर्गत यह ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ये बात बाद में पता चलेगी कि यहां पर हम सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं।
नोट्स बनाने के लिए ऊपर डेफिनेशन भी लिख दी मैंने, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सबस्टेंस कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रिलीज ओ2 अ बाय प्रोडक्ट। जिस बात को मैं हिंदी में कह रहा था उसी को यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे के हरे भागों में जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा अभिक्रिया के अंत में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब देखो यहां पर एक बात समझ लो कि इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत 6CO2, 12H2O और अभिक्रिया के अंत में 6H2O और 6O2 यहां पर रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 6CO2 प्लस 12H2O। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हुए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तथा 6H2O इसमें शेष बचते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही इजी। अब देखो कुछ बातों पर यहां पर और चर्चा की जाए। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हुआ क्या, इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला गया। पूरे प्रोसेस के अंतर्गत क्या हुआ है, इन दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या बताया मैंने आपको, फोटोलाइट एनर्जी कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो ये प्रकाश है, इस प्रकाशिक ऊर्जा को हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा को हम यहां पर इस पूरी अभिक्रिया के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन दिस प्रोसेस फोटोलाइट एनर्जी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक गतिज ऊर्जा है, बना हुआ भोजन या ग्लूकोज एक स्थिति ऊर्जा है, तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला गया। केमिकल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी और फोटोलाइट एनर्जी कन्वर्टेड इन अ केमिकल एनर्जी। अब जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है यहां पर कि फोटोसिंथेसिस इज अ, यहां पर एक बात को ध्यान से देखेंगे, पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस इज अ। अब मान लीजिए यहां पर चार ऑप्शन आपसे दिए जाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी अभिक्रिया है, उपचयी अभिक्रिया है या अपचयी अभिक्रिया है। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा ओवरऑल अगर बात करें तो बेटा एक ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है,
सिंथेसिस। और हमने आपको बार बार एक बात बताई कि जहां भी सिंथेसिस या संश्लेषण शब्द का प्रयोग हो जाए, जहां भी संश्लेषण या सिंथेसिस शब्द का प्रयोग हो जाए, जहां पर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी पदार्थ को बनाते हैं, उसे बेटा हम हमेशा क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उपचय कहते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक उपचय वाली अभिक्रिया है। सर क्यों उपचय वाली अभिक्रिया है? बेटा अभी आपको बताया कि इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, CO2 जुड़ रहा है, वाटर जुड़ रहा है, लाइट जुड़ रही है, सनलाइट जुड़ रही है, सब कुछ जुड़ तो रहा है ना, और इस जुड़ने के बाद बन क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा। तो देखो ना ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो गई है, ये ओवरऑल रिएक्शन जो हो गई है कैसी हो गई, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया, एक सिंथेटिक अभिक्रिया है, और इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण सिंथेसिस हो रही। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस इज आ, अब यहां पर पूछा गया कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन है या इंडरगोनिक रिएक्शन है या बोथ और नन। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा प्रवेश करती है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। माय डियर डॉटर एंड सन, प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा इसमें, अभी मैंने आपसे बोला कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब बाहरी ऊर्जा आ रही है, प्रकाशिक ऊर्जा आ रही है, यानी इस रिएक्शन में ऊर्जा प्रवेश कर रही है, निकल नहीं रही है, ऊर्जा को सिंथेसाइज किया जा रहा है। ऊपर सबसे पहले मैंने लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक इंडरगोनिक रिएक्शन है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है बेटा। इस पूरी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर से अंदर की तरफ लगती है। अब इसे एक यहां पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताएं, फोटोसिंथेसिस इस आ, पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरा है रिडक्शन प्रोसेस, तीसरा है ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, चौथा है नन। प्रकाश संश्लेषण एक आक्सीकारक अभिक्रिया है, एक उपचयी अभिक्रिया है, या आक्सीकारक उपचयन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। बेटा
इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा एक ऑक्सीडो निरक्षण प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन भी होगा और इसमें निरक्षण भी होगा। कैसे होगा यही जानने के लिए तो हम अगला चैप्टर के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। अभी प्रश्न और है, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की इंपॉर्टेंसी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इंपॉर्टेंसी क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी अब बात करेंगे, इंपॉर्टेंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण से क्या लाभ है, हमें भी लाभ है और पौधों को भी लाभ है। बेटा दुनिया में जितने भी सजीव है ना उनके लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्राथमिक भोजन बनाया जाता है। तो इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, देखो सबसे पहले क्या होते, जैसे ग्रीन प्लांट है। अब बेटा ये ग्रीन प्लांट क्या करेगा, इसने फोटोसिंथेसिस की और इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड बना। अब इसको किसने लिया, हर्बीबोरस ने लिया, हर्बीबोरस से ये कॉर्निबोरस में गया। तो इस प्रकार इकोसिस्टम में आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको पौधों के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि पौधे ही एकमात्र ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले पौधे भोजन बनाते हैं, उनको शाकाहारी सजीव खाते हैं और शाकाहारी से ये फिट आता है मांसाहारी। पहले पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते। सपोज करो कि उस घास को, उस वनस्पति को खरगोश खाता है, शाकाहारी है, और उस खरगोश को फिर कुत्ता खाता है। तो अगर हरे पौधे नहीं होते तो कुत्ते तक भोजन नहीं पहुंचता या शेर तक भोजन नहीं पहुंचता। तो जितने भी प्राणी इस दुनिया में है, इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं बच्चों, उन सभी के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण। दूसरी बात यहां पर अगर देखें पॉइंट नंबर टू पे बात करें कि क्या इसकी कोई और उपयोगिता है। अभी आपने देखा कि क्या देखा हमने कि CO2 प्लस H2O सनलाइट क्लोरोफिल और इसके साथ साथ बेटा यहां पर क्या बना, बना हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन बनी। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज की गई ऑक्सीजन, दुनिया में जितने भी सजीव ऑक्सी श्वसन करते हैं वो सभी इस ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के दौरान करते हैं, सांस लेने के दौरान करते हैं।
मीन्स फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाई एनिमल्स इन ब्रीथिंग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकले हुई ऑक्सीजन अन्य सजीवों के द्वारा श्वसन में ली जाती है, सांस लेने में ली जाती है। बात समझ में आनी चाहिए, मतलब इस बात से नहीं कि हिंदी में बोल रहा हूं कि अंग्रेजी में लिख रहा हूं या इंग्लिश बोल रहा हूं, किस में, साइंस में भाषा का कोई मतलब नहीं होता है। साइंस में कॉन्सेप्ट से मतलब होता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब तीसरी बात, तीसरी बात है बच्चों, इंपॉर्टेंसी नंबर थ्री, प्रोवाइडेड ऑल फॉसिल्स फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड गैसेस, ये सब के सब फॉसिल्स फ्यूल हैं। पौधे होंगे या प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे होंगे, और अगर पौधे होंगे तो पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी आप डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब के सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है, पौधों से ही बनते हैं। कोयला पौधों से बनता है, जितनी भी एलपीजी, सीएनजी, जो भी गैस जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सब फॉसिल्स फ्यूल है और ये पौधों से ही बनते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता बेटा तो पौधे नहीं होते, और अगर पौधे नहीं होते तो ये फॉसिल्स फ्यूल भी नहीं होते। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ, आप सभी इस बात को समझ चुके हैं। किस बात को समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में हम सारी बातों को समझ चुके हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल, सॉरी हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करेंगे। इसके जरा प्रकाश संश्लेषण के इतिहास पर लालटेन जलाते हैं, टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहां पर एक बात को समझो, अभी अभी मैं क्या आपसे बता रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या कंपोनेंट लग रहे। एक तो लाइट लग रही, लाइट कह लो या सनलाइट कह लो, सनलाइट, सनलाइट के अलावा दूसरा क्या लगा, CO2, तीसरा क्या लगा, वाटर, चौथा क्या लगा, क्लोरोफिल। ये चार रिएक्टेंट हैं जो किसी भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। अगर आप कह दें कि सर हमने तो नहीं देखा, तो बेटा साइंस एक्सपेरिमेंट के द्वारा साक्षात दिखाती है कि आप ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो अब हमारी चर्चा का जो बिंदु होगा, चर्चा का जो विषय होगा, वो ये है कि किस किस समय पर किस वैज्ञानिक ने किस प्रयोगों के द्वारा इस बात को प्रूफ किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम यहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने जा रहे हैं। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट वन। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य है वो ये है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अबाउट लाइट एंड क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। अब तक जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ समय टूल्स लेने होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने टूल्स लिए हैं, देखो, एक तो हमने लिया पॉटेड प्लांट्स और दूसरा हमने लिया ब्लैक पेपर। एक गमला लिया जिसमें पौधा लगा हुआ था और एक हमने क्या लिया, काले पेपर का एक स्ट्रिप लिया। अब बात यह आती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का मेथड, हम एक्सपेरिमेंट को करें कैसे। एक्सपेरिमेंट के मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब हमने क्या कहा आपसे कि एक हमने यहां पर ऐसे एक जो है एक यहां पर ऐसे पॉट लिया गया एक इस तरीके से ऐसे पॉट लिया ऐसे इस पॉट में कैसा पॉट है ये जिसमें दो तीन पत्तियां इस प्रकार से लगी हुई हैं ऐसे ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं इस तरीके से ऐसे। अब इनमें से एक या दो पत्ती को क्या करते हैं इस तरीके से ब्लैक पेपर से इसे ऐसे कवर्ड कर देते हैं, ऐसे कवर्ड कर दिया ब्लैक पेपर से। क्लियर हुआ। एक गमला लिया जिसमें एक हरा पौधा लगा हुआ था और उस ग्रीन प्लांट की लीफ को हमने क्या किया, एक ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया। लीफ कवर्डेड बाई ब्लैक पेपर। अब इस गमले को उठा करके दो से तीन घंटे के लिए हमने क्या किया,
दो से तीन घंटे के लिए इसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया। एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 1 to 2 hours। एक्सपोज्ड द प्लांट टू सनलाइट कितनी देर के लिए रखा बेटा हमने इसको 1 to 2 hours के लिए यहां पर ऐसे छोड़ दिया, धूप में इसको रख दिया। अब 1 to 2 hours के बाद हम क्या करेंगे? 1 to 2 hours के बाद बेटा ये किया जाएगा कि इसकी इस हरी पत्ती को तोड़ लेंगे। ये हरी पत्ती थी ना ऐसे, और ये आधी पत्ती जो थी वो इस प्रकार से ब्लैक पेपर से ऐसे कवर्ड थी। पत्ती को तोड़ करके अलग कर लिया गया ऐसे। अब इसमें हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। क्या किया गया इसका? स्टार्च टेस्ट करते हैं तो स्टार्च टेस्ट में एक तो ये वाला ए पार्ट था, ए पार्ट, इसमें स्टार्च टेस्ट जो था वो पॉजिटिव था, और इधर जो ढका हुआ भाग था इसका स्टार्च टेस्ट निगेटिव था। इस प्रयोग ने इस बात को प्रूफ किया कि जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था वहां पर स्टार्च बना, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा वहां पर स्टार्च नहीं बना। अर्थात इसका जो रिजल्ट था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो ये था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल भी आवश्यक है। पूरी बात को समझ पाए आप? प्रकाश संश्लेषण अब बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और इसमें आधी पत्ती के साथ हम कुछ छेड़खानी करेंगे, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में आधी पत्ती को सहारा बनाया, इसलिए हम इसको कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम क्या प्रूफ करेंगे? बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी डेमोन्स्ट्रेट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। अब इस प्रयोग को करने के लिए मोल्स ने जो टूल्स लिए वो इस प्रकार थे। एक तो इन्होंने ग्लास की बोतल ली, जैसे कि ये दिख रही है, ये ग्लास की बोतल है। एक कॉटन लिया, रुई कपास की, KOH लिया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और एक गमला लिया जिसमें हरी पत्तियों वाला एक पौधा लगा हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मूल ने क्या क्या लिया बेटा? एक ग्लास बोतल ली। ग्लास बोतल का मतलब ट्रांसपेरेंट बोतल से मतलब है। ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल, OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, पॉट भी प्लांट लिया, पौधे से लगा हुआ एक गमला लिया। अब फिर वही बात कि एक्सपेरिमेंट का जो मेथड था कैसे किया गया और उसका क्या निष्कर्ष निकाला गया। मेथड की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया कि गमले को लिया, धूप में रखा, एक आधी पत्ती को
हाफ लीफ, आधी पत्ती को इन्होंने क्या किया कि इस बोतल के अंदर बंद कर दिया, और इस तरीके से बोतल को इन्होंने क्या किया एयर पैक कर दिया ताकि बाहर से कोई हवा अंदर न जाए, यहां से एयर टाइट करके बंद किया गया। इस बोतल के अंदर इन्होंने क्या किया कि ये KOH शॉक्ड कॉटन को रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई के टुकड़े को इस बोतल के अंदर रख दिया गया, और इसे इन्होंने 2 से 3 घंटे के लिए फिर से प्रकाश में रख दिया जैसे कि पहले वाला एक्सपेरिमेंट था। अब 2 से 3 घंटे के बाद क्या हुआ कि फिर से ये जो लीफ थी इस लीफ में 2 पार्ट थे, यह एक्सपोजर पार्ट था और ये वाला हिस्सा इन बॉटल। तो इसका जब परीक्षण किया गया तो यहां पर जो स्टार्च टेस्ट था इसका स्टार्च टेस्ट नेगेटिव था और यहां पर स्टार्च बना था, टेस्ट यहां पर पॉजिटिव था। मतलब क्या था कि ए पार्ट में तो प्रकाश संश्लेषण हुआ लेकिन बी पार्ट में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। अब तो कुछ समझने वाली यहां पर बात है कि भाई क्यों नहीं हुआ। आप इसे देखिए, यहां पर ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है और इस बार तो इसमें सूर्य का प्रकाश जा रहा है, अंदर तक पहुंचा, पत्ती पर भी पड़ा सनलाइट, यहां पर पानी भी था, क्लोरोफिल भी था, सनलाइट भी थी, लेकिन यहां पर जो लीफ थी उसने नेगेटिव टेस्ट क्यों दिया, जो पत्ती बोतल के अंदर थी उसमें स्टार्च क्यों नहीं बना। बेटा इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिली। ये कौन सी बात हो गई सर, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मिली, बोतल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती थी, हम भी कह रहे थी, लेकिन जो ये KOH था इसने क्या किया, इस KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब CO2 को इस KOH को इसीलिए यहां पर रखा गया था, जितना भी इस बॉटल के अंदर CO2 था उसको इस कॉटन के टुकड़े ने अवशोषित कर लिया, तो CO2 की अब्सेंस होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सेंस होने के कारण ड्यू टू CO2 अब्सेंस या ड्यू टू अब्सेंस ऑफ CO2 यहां पर क्या आया, स्टार्च टेस्ट बेटा नेगेटिव आया और यहां पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि यानी ए पार्ट को सब कुछ मिला, क्लोरोफिल भी मिला, लाइट भी मिली, CO2 भी मिला और वाटर भी मिला, यहां पर बाकी सब तो मिल रहा था, लेकिन KOH कॉटन की वजह से जो बॉटल के अंदर CO2 थी वो CO2 एब्सॉर्ब कर ली गई, तो जब CO2 है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ इसलिए स्टार्च नहीं बना। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पूरी बात को समझ गए, पूरी बात को समझे।
तो बच्चों अभी तक की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन के बारे में, उसमें यूज होने वाले बेसिक केमिकल सबस्टेंस के बारे में, लाइट के बारे में या बेसिक रिएक्टेंट के बारे में बात की, बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात की, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंसी के बारे में बात की, और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े। पहला एक्सपेरिमेंट इस बात के लिए था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। आगे की क्लास के लिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बच्चों लगातार जुड़े रहिए, और आपका जुड़ा रहना ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो क्लास कंटिन्यू रहेगी और अच्छा से अच्छा और हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय।